ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मुझे बिग माफी के भाई ने कायो पेरिको आइलैंड एक बहुत तगड़ी चोरी करने के लिए भेजा था। मुझे वहां से एंशिएंट पैंथर स्टैचू चुरा के लाना था और उसे बेचना था डगन बोस्को और एल रूबियो, मींस कायो पेरिको आइलैंड के मालिक एल रूबियो को ये बताना था कि ये चोरी डगन बोस ने करवाई है। हैं तो ये दोनों रियल ब्रदर, बट आपस में इनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा है और इसके बाद तो इनकी फाइट होनी थी और हमें इस फाइट का फायदा उठा के डगन बोस को निपटा देना था। बट इन सब चीज के बारे में एल रूबियो को मालूम पड़ गया और वो हमारे घर पहुंच गया और वो पकड़ के यहां उसने लाके हमें बंद कर दिया है। और एक सेकंड, ये मुझे क्या हो रहा है भाई, ये चक्कर से क्यों आ रहे हैं? तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मुझे कुछ भी करके इस जगह से बाहर निकलना ही होगा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अगर इस बारी एल रूबियो के गार्ड्स ने मुझे ढूंढ लिया ना तो वो लोग पक्का मुझे मार ही डालेंगे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इन लोग को मार के यहां से बाहर निकलने की कोशिश करी थी। बट मैं जैसे एग्जिट गेट पे पहुंचा तो पता चला इन्होंने पूरा गेट ही बंद कर रखा है और अभी ना फिलहाल मुझे बाहर इन लोगों के चलने की आवाज आ रही है। मैंने लाइट बंद करके इस बाथरूम में आके छुप गया था बट अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर और बॉडीगार्ड्स आ चुके हैं। इन लोगों ने लाइट भी दोबारा से जला ली है। एक कॉल में इसने भाई चार इतने तगड़े तगड़े हेलीकॉप्टर्स विद टैंक मंगवा लिए हैं यहाँ पर। और ये जो आप सबसे राइट वाला टैंक देख पा रहे हो ना भाई, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि डगन बॉस नहीं बचने वाला किसी कीमत पे, क्योंकि भाई मेरे को तो पहले विश्वास नहीं हो रहा है हेलीकॉप्टर ने इसे उठा के लिया। ये जो शैन बॉक टैंक है ना भाई, ये ऑटोमेटिक जैसे M249 चलती है ना, ये कुछ उस तरीके से भाई RPG छोड़ेगा और उस RPG के मीन्स रॉकेट लॉन्चर का डैमेज भी बहुत ज़्यादा होगा भाई। नॉर्थ एंगटन ही ना उड़ जाए पूरा, इतनी पावर लगा रहे है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल डगन बॉस कह रहा है कि आज रात तक अपनी पूरी फोर्स रेडी हो जाएगी और रात के 3 बजे हम लोग निकलेंगे सीधा नॉर्थ एंगटन डगन बॉस को मारने के लिए। बाकी हाँ यार, आज अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, यहीं पर सोना पड़ेगा। मुझे लग रहा था यार मैं शाम तक इसको जो इम्पोर्टेंट काम होगा इससे बात करके वापस घर चले जाऊंगा, बट आज तो रुकना ही रुकना है और कल नॉर्थ एंगटन भी जाना है इसके साथ। बाकी हाँ यार, इसने मुझे बोला है कि तुम डगन बॉस को कॉल करो और उसको बोल दो कि कल एल रूबियो आ रहा है तुझे मारने के लिए। मतलब यार गद्दार नहीं है बिल्कुल, उसे बता के अटैक कर रहा है। मतलब यार उसने बोला है उसको बोल दो तुम जितनी फोर्स रेडी कर सकते हो, जितना डिफेंस बढ़ा सकते हो, जितने बंदे बुला सकते हो बुला लो, बट अभी एल रूबियो से बचने नहीं वाले। फिलहाल मैं उसे भाई बोल देता हूँ क्योंकि अभी भाई डगन बॉस जाने वाला है बहुत गंदी तरह। भाई कसम से यार, जो चीज़ हम लोग चाहते थे वो हो भी गई भाई साहब। मतलब दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी। फिलहाल डगन बॉस को कॉल करते हैं, वैसे कॉल करना ही गया, सीधा उसे कॉल करके बोलना अब तू गया अगले दिन हम लोग आ रहे हैं। बाकी हाँ यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.4 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और हाँ यार, मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या होने वाला है भाई कल, क्या सही में एल रूबियो डगन को मार डालेगा। वैसे यार देखो, आधा काम हमें भी करना पड़ेगा तभी हमें अपने साथ लेकर चल रहा है। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये कौन कौन से और भी टैंक मंगवाने वाला है। और हाँ यार, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, इंस्टा पे फॉलो कर लो, बहुत आ गया। चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।